सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा मुस्लिम ही नहीं 1984 के सिख दंगों के खून का दाग भी शामिल है। नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू पर कल आएगा फैसला। जोधपुर में धारा 144 लागू, दिल्ली में भी अलर्ट। कास्टिंग काउच पर रेणुका चौधरी ने सरोज खान का बचाव करते हुए पीएम पर किया तीखा हमला, कहा संसद में मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया, पीएम मेरी तुलना शुभनखा से कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 27 और 28 अप्रैल को होने वाले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के बाद नहीं जारी होगा संयुक्त बयान। मध्य प्रदेश के मंडला में पीएम मोदी ने किया पंचायती राज दिवस का उद्घाटन। रेप की घटना पर बात करते हुए कहा जो लोग राक्षसी काम करेंगे उन्हें फांसी पर लटकाएंगे, हमें अपने लड़कों को शिक्षित करना होगा। संजय दत्त की बायोपिक का पोस्टर और पहला टीजर रिलीज, फिल्म का नाम संजू है। कास्टिंग काउच को लेकर सरोज खान के बयान के बाद मचा विवाद। सरोज खान के पक्ष में उतरी ऋचा चड्ढा, कहा बयान को राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। अगले साल इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 जून को खेलेगा। पाकिस्तान के साथ 16 जून को होगा मुकाबला। पाकिस्तान के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मंसूर अहमद को दिल की बीमारी, वीडियो जारी कर भारत से मदद मांगी।